शाम मान लीजिए थी और 11 बजे के करीब शुरू हुआ, तो मैं यहाँ पे रहूँगी चले जाऊँ। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भाग कर आए। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी और ये कम से कम अभी तक 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज्यादा भी हो सकते लेकिन कम से कम 30-40 लोग है अंदर। अभी जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहां पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहां पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए इसके ऊपर सारा फोकस वहां पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीजें सामने आ जाए तो उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए।